भाई गुड इवनिंग। मजा आया यार, अबरा में आए थे। आप सबको स्वागत करते हैं GS प्रोमो चैनल की एक और वीडियो में। आज बहुत ही खास इम्पोर्टेंट आपको क्या बोलूँ जानकारी देने जा रहा हूँ, स्पेशली दुबई के बारे में। उससे पहले आप सबको स्वागत करते हैं GS प्रोमो चैनल में, और ग्रीट करना तो बनता है, राइट। नमस्ते, टची दिले, सलाम वालेकुम। और वैसे रमजान ख़त्म नहीं हुआ है, तो हमारे जितना भी इस्लामिक भाई है आप सबको सलाम वालेकुम एंड रमजान करीब। देखो, मैं आज जो इम्पोर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ वो बेस्ट दुबई का है, दुबई का जो ग्राउंड है, दुबई का जो रियलिटी है ना, जो लोग विदेश आने से पहले सोचते हैं, राइट। चलिए थोड़ा आगे जाके बात करते हैं। बस चलिए, खड़ा खड़ा में बात करने से बेहतर तो यहाँ बैठ के आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। कम ओके, जो ग्राउंड लेवल की बात करनी थी, ये तीन सोच यदि आपके पास है और ये तीन सोच लेके यदि आप यहाँ आना चाहते हो तो बिल्कुल भी मेरे तरफ से तो ना है, मत आना। पहला चीज़ ये है, यदि आपको लगता है कि दुबई में आके आप ढेर सारा पैसा शॉर्ट समय में कमा सकता है तो ये बात गलत है, यदि आपको किसी ने बताया भी है। यहाँ तक कि आप सोचते होंगे कि मैं दुबई में आऊँगा तो मेरा मंथली सैलरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख हो सकता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ सैलरी बहुत कम है, ये रियलिटी है। यदि आप इस सोच में हैं तो सोच से बाहर आइए और दुबई में मत आइए, पहली बात। दूसरी बात, मान लो कि आपको लगता है कि मैं दुबई चला जाऊंगा और यूँ जॉब मिल जाएगा मुझे, यूँ ना भी मिला तो आप खुद से नहीं मिल सकते तो मैं एजेंट को पैसा देके आप जॉब ले लेगा। यदि आपको लगता है तब भी मत आइएगा, क्योंकि दुबई में जॉब मिलना इतना आसान की बात नहीं है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। पहली बात तो यदि आप एजेंट के ज़रिए जाता भी है तो बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा खा के रफा दफा हो जाता है, मतलब फ्रॉड कर जाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको लगता है आसान है, मैं वहाँ जा कर सकता हूँ, तो नहीं, ठीक है। यदि आपकी सोच है तो मत आइएगा। तीसरी बात, मान लो सबको शायद आपने कहीं देखा होगा दुबई का वीडियोस, फोटोज, लोग अच्छा से जगह फोटो खींच रहा है, वीडियो खींच रहा है, शायद आपको लगता होगा जो लोग वहाँ जॉब करते हैं तो मज़ा है, ज़बरदस्त है, इन्जॉय है ना, तो आप भी एक बार जॉब मिल जाएगा, चाहे जॉब मिलेगा जितना भी कष्ट उठाना पड़े उठाऊंगा, उसके बाद जॉब मिल जाएगा तो मस्त करेंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड्स करते हैं कि आप किस कैटेगरी में जॉब करते हैं, क्या आप वाइट कलर्स में हैं या ब्लू कलर्स में। जो लोग ब्लू कलर्स में काम करते हैं 100% में से 50% ही, मैंने ज़्यादा बोल दिया, 60% लोग बेचारा मंथ में एक बार भी छुट्टी नहीं होता। लेकिन एज पर यूवी लोग बात करें तो 8 to 9 hours पर डे वर्क होता है, उसके बाद आप आराम कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ गवर्नमेंट का कोई नहीं सुनता, नहीं बोलता हूँ मैं, सुनते हैं पर भी होता क्या है, देखो प्राइवेट कंपनी को तो पैसा बनाना है, राइट। सो इसलिए वो लोग आपको बराबर रहा करते हैं। यदि आप जितना यहाँ पर मेहनत करते हो ना, इतना आप अपना होम कंट्री में करते हैं तो इससे 100 गुना ज़्यादा आप कमा सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बस कहने का मतलब यही है, आपको यहाँ आके अब जितना मगज मार करके भी, चाहे एजेंट को देखिए चाहे जो कर भी, जॉब मिल भी जाता है ना तो आप ये मत सोचना जॉब मिलने के बाद कंफर्ट है, आपको कंफर्ट जोन से उल्टा बाहर आना होता है। मिनिममली आपको 10 to 12 hours तो काम करना पड़ता है यहाँ पे आके, ठीक है। और कई लोग हैं बेचारा जो हम लोग जरा जो ब्लू कलर्स में काम करते हैं, सेल्स में, वेटर में, कैशियर में, है ना, इस कैटेगरी में जो सिक्योरिटी में, इस कैटेगरी में काम करने वाला, किसी का तो वीक में भी छुट्टी नहीं है, मंथ में एक छुट्टी होता है, तो उस मंथ एक छुट्टी क्या कर सकता है बंदा, बस सोने के अलावा, राइट, है ना। यदि आपको वीक में एक छुट्टी भी मिलता है तो उसमें क्या कर सकते सोने के अलावा, क्योंकि बाहर भी जाता तो बहुत एक्सपेंसेस है। तो क्या मैं आपको दुबई नहीं आने के लिए बोल रहा है, नहीं, क्या आपको डिमोटिवेट कर रहा है, नहीं, बस मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको एक सही डिसीजन लेने के लिए, है ना। शायद आप लोगों का बात सुन आ सक आने के लिए चाह रहा हो, लोगों का जो दिखावट बनावट चीज़ों को देख के आप आना चाह रहा हो, क्योंकि देखो वीडियो में वो चीज़ें नहीं दिखाता जो रियलिटी होता है, जो मेहनत करता है, राइट, जो चीज़ें रियलिटी में गुजर रहा होता है, सच मुझ के जो वो कोई दिखाता नहीं, बस 7-6 दिन मर मर की मेहनत कर, 7वां दिन जब संडे होता है लोग थोड़ा बीच में जाते हैं अच्छी जगह में, जब फोटो खींचते हैं, वीडियो खींचते डालते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि वाह बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में बहुत तकलीफ है। लेकिन आप मेहनत करना चाहते हो, चाहे जो भी हो, आप लड़ने के लिए राजी है, अपना कम्फर्ट जोन से बाहर आने के लिए राजी है, देन आप दुबई आ सकते हैं। और भी बहुत सारा दुबई आने से क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या आपको स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, चलिए दूसरी जगह हम जाके बात करते हैं आज उसके लिए। बाय द वे इस जगह का नाम है अलसिफ। देखो यहाँ पे जितना भी है ना, आपको थोड़ा नज़दीक छोड़ दो, नज़दीक क्या जाएंगे थे? दिखा दो, वो है आपका पूरा ट्रेडिशनल गारमेंट्स, बोले तो ये आपका क्या कहता है कल्चर का ड्रेस वगैरह होता है, चाहे वो इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, वो ऐसे लेके रखते हैं। देखो कितना सुंदर है, इतना लाइटनिंग किया हुआ है, स्पेशल जब रमजान का टाइम है ना तो बहुत खूबसूरत से यहाँ पे सजाया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, मौसम लग रहा है ना। और काफ़ी यहाँ पे ना एंशिएंट चीज़ें देखने को मिलता है, जागते समझ
देखो कैमरा, ना जाने ये कब का होगा, इतना पुराना है। काफ़ी चीज़ें रखा है यहाँ पे पुराना पुराना है। ये देखो ज़माना का वो इंग्लिश फिल्म में लगाता ना कवर, सुरक्षा कवर, जारी बुटिया, राइट, हिंदी में जारी बुटिया। ये जो है ना हम लोग घर पे खेलते थे, इसको कोक फाइट बोलते, कोक फाइट इनको हम लोग खेलते थे ऐसे से मार के, कोक फाइट। बुर्ज खलीफा के लिए वहाँ जाने ज़रूरत नहीं है, देखो अफगानिस्तान का वो है लाइटनिंग, अफगानिस्तान इधर से ऑफ हो जा रहा है तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कहा था ना आपको ये जगह का नाम अलसीफ है, उधर देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है। एकदम बढ़िया लग रहा है ना, रमादान इन दुबई। वैसे आपको इन्फॉर्मेशन देते देते मैं थोड़ा अलसे भी आपको घुमा दिया। देखो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप दुबई ना आएँ, है ना। ऑफ कोर्स दुबई आओ, और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें आपको इसलिए रूबारू करा रहे हैं, मतलब इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जब यहाँ आने के लिए डिसीजन लें तो आपका डिसीजन सही हो, ना कि यहाँ की आप पछतावा हो, राइट, ना कि आप यहाँ की निराशा हो, राइट। आप जब भी आएँ तो ये चीज़ें पता हो के आएँगे तो वो आपके लिए सही रहेगा। जब भी आप यहाँ आएगा तो ये चीज़ें याद रखना कि आपको अपना जो कंफर्ट जोन होता है वहाँ से बाहर आना पड़ेगा। फिर जबकि आप राज़ी हैं अपना कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए और लाइफ में कुछ करना चाहते हैं ना, देन दुबई, दुबई इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर जहाँ आप अपना ज़िंदगी को नेक्स्ट लेवल लेके जा सकते हैं। फिर ये मैटर नहीं करते आप गरीब है कि आप पढ़ा लिखा है नहीं, इट डजेंट मैटर एट ऑल, ये एकदम सही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यदि आप मेहनत कर सकते हैं अपना कम्फर्ट जोन से बाहर जा सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया जगह है दुबई, जहाँ आप अपना ज़िंदगी मस्त जी सकते हैं, बना सकते हैं, कुछ भी अपना सपना को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आप कर सकते हैं दुबई में देखा जाए तो, पहली बात तो आप यहाँ की जॉब कर सकते हैं, जॉब के साथ साथ यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ा मैंने एडवांटेज क्या देखा है पता है दुबई में, थोड़ा आगे इधर आके बात करते हैं। एडवांटेज ये देखा है, जो हम जैसे लोग होते हैं ना मिडिल क्लास से, मान लो सपोज वो इंडिया से हो सकते हैं, नेपाल से हो सकते हैं, पाकिस्तान से हो सकते हैं, राइट। जो लोग दुबई से नहीं बल्कि यूरोप कंट्री जाना चाहते हैं, यूएसए जाना चाहते हैं, है ना, तो वहाँ से जाने में बहुत खर्चा होता है, आप सबको मालूम है, राइट। चाहे फिर वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में, मतलब जो वर्किंग वीज़ा में जाना हो, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप का, यूएस का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, माल्टा, पुर्तगाल, इन जैसे जगहों में जाने के लिए, चाहे फिर आप विजिट वीज़ा हो या फिर आपको वर्किंग वीज़ा हो, इसमें बहुत खर्चा होता है, राइट। मगर ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, जब आप दुबई से जाते हो तो आपको बहुत ही कम पड़ता है। सो ये चीज़ें आज आपको ना पता हो, लेकिन जब आप दुबई आएगा, दुबई जब काम करने लगोगे तो स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें आपको पता होगा, राइट। और भी इस चीज़ें के बारे में आप डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि यहाँ की दुबई, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि दुबई की यूरोप आराम से जा सकते हैं, यूएसए जा सकते हैं, वो क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है। यदि इस चीज़ों के बारे में आपको डिटेल जानना है तो कमेंट्स करो, आई मीन पूछ सकते हैं। देखो जानकारी मैं फ्री ऑफ कॉस्ट डेफिनेटली दूंगा आपको, हाँ, लेकिन मैं सर्विस नहीं दे सकता हूँ। ऑब्वियसली सर्विस आपको चाहिए तो मेरे पास कई लोग हैं जो लोग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, पोलैंड या फिर माल्टा जैसे जगह के लिए, चाहे विजिट वीज़ा हो चाहे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए काम करते हैं, लेकिन मैं रेफर नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी आप चाहते हैं कि आप शॉर्टकट जाना चाहें तो मैं डेफिनेटली उन लोगों का नंबर या फिर उन लोगों का ऑफिस बोलो या फिर कंपनी में आपको रेफ़र कर दूंगा। अदरवाइज यहाँ कि आप यदि 2-3 साल यहाँ पे आप बिताता है, काम करते हैं, तो ये आपको भी पता चल जाएगा, जैसे मुझे पता चला है, राइट। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, आपको पता है, मुझे पता है आज यूरोप जाने से कैसे जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए से कैसे जा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, राइट। तो इसलिए मैं आगे से बता रहा हूँ, दुबई एकदम नासू बोले ना, अपने बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ आप अपना आपको शाइन कर सकते हैं, अपना आपको शार्प कर सकते हैं, अपना ज़िंदगी को उजाल बना सकते हैं, अपना एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये
ग्राउंड लेवल का बोलो या रियलिटी बोलो, आपको जानना चाहिए था, ठीक है, जो मैं आपको सोचा कि दे दूँ। एंड साथ साथ आपको मैंने थोड़ा सा अलसिफ का नज़ारा भी दिखाया। आई होप आपको पसंद आया होगा आज का एक छोटा सा अपडेट मेरे GS Promos चैनल की तरफ से। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।